नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानी एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी हम लोग देखेंगे एक 3 BHK का फ्लैट जो लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ है। नक्शा बहुत ही खूबसूरत, फ्रंट में ही आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, दोनों बेडरूम से आपको बैल्कनी मिलती है, किचन भी आपको फ्रंट में मिलता है। मीन्स 2 बेडरूम और एक जो किचन है हमारा, वो तीनों चीज़ आपको फ्रंट में मिलता है। कंप्लीट वेंटिलेटेड फ्लैट, इंटीरियर आउटस्टैंडिंग। इस फ्लैट की जो वीडियो है अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग ने बनाई थी, उसकी एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाते हैं और फिर आपको ये फ्लैट दिखाएंगे कि बनने के बाद क्या लुक आया है। हम लोग आ चुके हैं अपने बिल्डिंग की साइड पे। 1 महीने में हम लोग इसका पोजीशन दे रहे हैं। पूरे घर में आपको रोशनी और फ्रेश एयर मिलने वाली है, कंप्लीट वेंटिलेटेड। आप देख रहे होंगे सब जगह आपको वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, ये 2nd बेडरूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम हम लोग ने दिया है। इसके साथ आपको बैल्कनी मिलती है और यहाँ आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। ये एक बेडरूम आपको मिल जाता है, इसके साथ भी विंडो मिलती है। और साथ में सीलिंग का डिजाइन इस तरह से मिलेगा आपको। ये हमारा पूरा ड्राइंग का एरिया है। आशीष एक बार पूरा स्पेस दिखाइए, ये पूरा स्पेस आपको मिलता है। अभी आपने देखा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। नाउ द फ्लैट इज रेडी। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर और प्राइस भी इसका बहुत अफोर्डेबल रखा गया है। कंप्लीट वेंटिलेटेड फ्लैट, इस प्राइस में इस तरह का फ्लैट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, रेयर टू रेयरेस्ट आप कह सकते हैं। और अगर मिलेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ सानवी एस्टेट पे, जो आपका चैनल है। वेंटिलेशन जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, कमाल का। प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है। तो यहाँ से मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ और दिखाते हैं इस बिल्डिंग की सामने वाली रोड, फिर हम लोग देखेंगे पार्किंग, फिर हम लोग आएंगे फ्लैट के अंदर। एक बार मैं पूरा आपको लेआउट दिखाऊंगा और फिर बारी बारी से डिस्क्रिप्शन दूंगा। आइए, हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। यहाँ से हमने अपने फ्लैट में एंट्री ली है। 1 फ्लोर पे 2 फ्लैट बनाए गए हैं लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ है। जब आप फ्लैट के अंदर आ रहे हैं तो साउथ फेसिंग पड़ेगा, जब फ्लैट के आप बाहर निकलेंगे तो नॉर्थ फेसिंग होगा। अभी हम लोग खड़े हैं अपने ड्राॅइंग रूम में। मैं एक बार पूरा लेआउट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हमारा ड्राॅइंग रूम मिलता है, इस तरफ कॉमन वॉशरूम बनाया गया है और कॉमन वॉशरूम का भी प्लेसमेंट इस तरह से रखा गया है कि इस बेडरूम के साथ भी आप इस जो कॉमन वॉशरूम है उसको यूज़ कर सकते हैं। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाता है और वार्डरोब हम लोग ने दिया है। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। इस बेडरूम में हम लोग ने टीवी पैनल दिया है, अटैच आपको वॉशरूम मिलता है और बहुत खूबसूरत सा हम लोग ने फॉल सीलिंग की डिज़ाइन बनाई है, विंडो भी दी गई है और इससे आपको बैल्कनी की भी एंट्री मिलती है। और किचन भी कंप्लीट वेंटिलेटेड, देखिए साइज किचन का बहुत ही बढ़िया, साथ में विंडो भी दी गई है इसमें। और जो हमारा 3rd बेडरूम मिलता है वो यहाँ मिलता है, इसमें भी हम लोग ने वार्डरोब दिया है और इसके साथ भी आपको बैल्कनी की एंट्री मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं ड्राॅइंग रूम से। आशीष सबसे पहले पूरा फ्लोरिंग दिखाइए ताकि पता चल सके कि इसका कितना स्पेस मिलता है आपको ड्राइंग रूम में। और आप लोग सानवी एस्टेट की फैमिली है, आप लोग को पता है कि वी आर नॉट यूजिंग वाइड लेंस कैमरा। जो भी साइज आपको दिख रहा है वो एक्चुअल साइज होगा और जब आप विजिट भी करते हैं तो सेम फ्लैट होता है जो आप देखते हैं। ब्यूटिफाइड टाइल्स हमने देखी, स्क्रैचलेस है, डबल चार्ज की टाइल्स है। रिफ्लेक्शन एक बार दिखाइए आशीष, रिफ्लेक्शन भी आपको जो LED लाइट्स है उसकी दिख रही होगी। ऊपर जो हम लोग ने कॉब लाइट्स और LED लाइट्स यूज़ की है, बहुत प्यारा सा झूमर भी दिया है। और यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो इस तरह का मिलता है, बहुत ही खूबसूरत सा वॉलपेपर।
हम लोग की कोशिश होती है कि हर फ्लैट में कुछ नया लेकर आएं। प्लेसमेंट की बात करूंगा सोफ़ा का, तो ये पूरा जो स्पेस आपको मिलता है ये एल टाइप में, यहाँ आप अपना सोफ़ा लगा सकते हैं। बीच में बहुत ही आराम से आपका कॉफ़ी टेबल आ जाएगा, और आपकी अगर सेटिंग यहाँ पे है तो इंटरटेनमेंट के लिए जो हम लोग टीवी लगाते हैं उसके लिए यहाँ आपको बड़ा सा टीवी पैनल मिल जाता है। यहाँ आप अपना टीवी लगाइए, साथ में इस तरह का जो बॉर्डर है वुडन का वो दिया गया है, ऊपर स्मॉल लाइट्स हम लोग ने दिया है, यहाँ स्विच सॉकेट मिल जाते हैं, और नीचे स्टोरेज के लिए दो ड्रॉअर भी आपको मिलता है। साथ में यहाँ पे जो हम लोग ने माइका यूज़ किया है, एक बार ऊपर से दिखाइए आशीष, इस तरह का आपको माइका मिल जाता है। कॉपर ग्लास की तरह इसका लुक आ रहा है, बट ये माइका है। इसमें तीन बॉक्सेस बनाए गए हैं, आप चाहें तो डेकोरेशन के लिए कुछ आप रख सकते हैं, बिकॉज आपकी सेटिंग इधर है, आप बैठेंगे, आपके गेस्ट बैठेंगे, तो बहुत अच्छी वाइब्स आएगी अगर इसको हम सजाते हैं तो। साथ में फ्लीट एसी लगाने के लिए यहाँ पे वायरिंग हम लोग ने करके दी है, और ड्राइंग रूम है तो इसको खूबसूरत दिखने के लिए इसका जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो खूबसूरत होना ज़रूरी है। जो ये रही, इसमें हम लोग ने कॉब लाइट्स, LED लाइट्स, बहुत ही प्यारा सा झूमर वो यूज़ किया है, जो ये रहा। इस ड्राइंग रूम में एक एक्स्ट्रा आपको जगह भी मिलता है, एक बार दिखाइए आशीष, ये स्पेस भी आपको इस तरफ मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस यहाँ भी मिल जाता है। हमारी जो ड्राइंग है, जो आप सोफ़ा लगाएंगे वो इस तरफ होगा, और ये जो स्पेस आपको ड्राइंग रूम में मिलता है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। वॉशरूम का भी आप देखिए, जो जगह बनाया गया है किचन से एकदम अलग है। जनरली बहुत बार होता है कि किचन के साथ में ही वॉशरूम होता है, यहाँ पे अलग रखा गया है, कॉमन वॉशरूम, एक बार दिखाइए आशीष। और इस तरह से इसका प्लेसमेंट है कि इस बेडरूम से भी यूज हो जाएगा। इसमें हम लोग ने जो फ्लोरिंग यूज की है वो एंटी स्किड टाइल्स की है, और साइज इसका तकरीबन 6x4 का है। यहाँ आपको शावर के लिए स्पेस मिल जाता है, आशीष एक बार पीछे आप आइए, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन देता हूँ। यह हम लोग ने गीजर के लिए पॉइंट्स दिया है, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है, और इस तरफ शावर हम लोग ने दिया है, और इसी के साथ में नीचे डाइवर्टर मिल जाता है, एक ही टैप से हॉट एंड कोल्ड वाटर आ जाएगा। सीट का प्लेसमेंट यहाँ मिलता है, और अगर वॉश बेसिन की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया है। इसी के साथ जस्ट इसके बाहर निकलते ही आपका ये फर्स्ट बेडरूम है। इसमें हम लोग ने वार्डरोब दिया है, पहले मैं फ्लोरिंग दिखाता हूँ, फ्लोरिंग की बात करते हैं। इसमें जो अगेन जो फ्लोरिंग मिलती है वो वेट्रीफाइड टाइल्स की मिलती है, और बहुत ही खूबसूरत सा वॉलपेपर हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है। इस तरह का वॉलपेपर 3D लुक में आपको दिख रहा होगा, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल जाती है। AC की जो वायरिंग है वो ऑलरेडी हम लोग करके यहाँ पे दे रहे हैं, आप अपना स्प्लिट AC यहाँ लगा सकते हैं। वार्डरोब यहाँ मिल जाता है, इसका एक बार जो हैंडल है वो दिखाइए आशीष, कॉपर का जो हैंडल है वो यूज़ किया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा, और इसका जो लेंथ है वो पूरा रूफ तक आपको मिलता है। और इसमें जो हम लोग फॉल सीलिंग की डिज़ाइन बनाए हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत है, जो ये रहा। अब देखते हैं अपना सेकेंड बेडरूम। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, तकरीबन 15x10 का इस बेडरूम का आपको साइज मिल जाता है। आशीष पूरा फ्लोरिंग एक बार दिखाइए आप, देखिए कितना बड़ा स्पेस आपको मिलता है इस बेडरूम का। इस फ्लैट का जो यूजेबल एरिया है वो आपको 80 गज का मिलता है, बहुत अच्छा खासा जो स्पेस है वो निकाला गया है इस 80 गज में ही। बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर अगेन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और वेंटिलेशन की मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी आपको विंडो मिल जाती है, ये बड़ा सा आपको विंडो मिलता है, ऊपर विंडो AC के लिए स्पेस मिलता है, आप यहाँ पे विंडो AC लगा सकते हैं। कर्टेंस इस तरह से आप पुल करके रख सकते हैं जैसे हम लोग ने रखा है, और इसी के साथ आपको बैल्कनी की एंट्री मिलती है जो यहाँ है।
बैल्कनी दिखाने से पहले आशीष आप एक बार जो अटैच वॉशरूम हम लोग ने दिया है वो दिखाइए। इसमें भी फ्लोरिंग एंट्रीज की टाइल्स की मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने सीट लगा दिया है, ऊपर गीजर के पॉइंट्स हम लोग ने दिए हैं, आप अपना गीजर लगा सकते हैं। साथ में आपको शावर मिलता है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। और साथ में इसमें डाइवर्टर दिया गया है जिससे आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलेगा एक ही टैप से, और वॉश बेसिन इस तरफ आपको मिल जाता है। और यहीं से आपको जो बैल्कनी है उसकी एंट्री मिलती है। आशीष एक बार पूरी बैल्कनी आप दिखाइए, और बैल्कनी दिखाने के बाद आप दिखाइएगा जो हम लोग ने इसमें डिज़ाइन बनाई है फॉल सीलिंग की। वो एक चीज़ रह गया था इसमें दिखाना, जो टीवी पैनल है हमारा वो, यहाँ हम लोग ने टीवी पैनल दिया है। और डेकोरेशन के लिए अगर कुछ रखना चाहते हैं तो ऊपर स्पेस मिलता है। अब आशीष आप बैल्कनी दिखाइए और फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दिखाइए। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं जो अपना मॉड्यूलर किचन है, वो बहुत ही खूबसूरत सा स्पेसियस और वेंटिलेटेड। आशीष पहले किचन का पूरा स्पेस दिखाइए, फिर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग वाइड लेंस कैमरा यूज़ नहीं करते हैं, जो भी साइज आपको दिख रहा होगा वो एक्चुअल साइज है। यहाँ पे एल टाइप में आपको किचन मिल जाता है, वाइट जो नैनो मार्बल है वो हम लोग ने इसमें यूज़ किया है। सिंक यहाँ हम लोग ने दिया है, इसमें एक टैप तो दिया गया है जल बोर्ड के पानी के लिए। दो तरह का पानी है, मैं बता दूँ, एक जल बोर्ड का पानी है, एक समरसेबल का पानी है। जल बोर्ड का पानी जिसको हम लोग मीठा पानी भी बोलते हैं। यहाँ ऊपर स्पेस दिया गया है कि आप अपना आरओ या गीज़र लगा सकते हैं, और साथ में हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए भी आपको यहाँ टैप मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए ये विंडो पूरी दी गई है, हालांकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा के दे रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ आपको विंडो मिल जाती है, आप चाहें तो एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। स्पेस आप देखिए पूरा स्पेस मिलता है, और रूफ तक हम लोग ने इसमें वुडन का काम किया है। ये सारे जो स्टोरेज आपको मिल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे स्टोरेज आपको मिलता है। साथ में यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी हम लोग ने यहाँ दिया है, और बीच में अगर आप चूल्हा रखते हैं तो उसके ठीक सामने हम लोग ने ये हाइलाइटर यूज़ किया है। एक बार आशीष क्लोज करके जो हम लोग ने टाइल्स यूज़ की हैं वो भी दिखाई, और साथ में फ्रिज के लिए जो स्पेस दिया है वो ये रहा। आप जितना बड़ा भी फ्रिज यूज़ करते हैं ये स्पेस काफ़ी होगा उसके लिए। नीचे में अगर स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ आपको स्टोरेज मिल जाता है जिसमें आपके बड़े कंटेनर आ जाएंगे। बॉटल रैक के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है, और अलग अलग कैबिनेट्स यहाँ बना के आपको दिए गए हैं। ये सारे कैबिनेट्स, ये कटलरी वेयर के लिए है, स्मॉल यूटेंसिल्स आप इसमें रख सकते हैं। ये सारे कैबिनेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ एक बड़ा सा स्पेस मिलता है, इसमें आप जो बड़े डब्बे होते हैं हमारे घर में वो रख सकते हैं। और साथ में यहाँ भी दो बड़े बड़े कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, तो इसमें आपको जगह की कमी बिल्कुल नहीं खलने वाली। नीचे भी स्टोरेज मिलता है और ऊपर भी स्टोरेज मिलता है। डिज़ाइन भी हम लोग ने किचन में इस तरह का दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। और इसी के साथ जो अपना थर्ड बेडरूम है वो है ये। इसमें इस तरह का वार्डरोब हम लोग ने दिया है, अगेन जो कॉपर का हैंडल है वो हम लोग ने इस आलमीरा में यूज़ किया है। ऊपर तक स्पेस आपको मिल जाता है। वेंटिलेशन की बात करूँ तो अभी देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो सनलाइट अभी भी आ रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। विंडो यहाँ मिल जाता है, यहाँ विंडो ऐसी लगा सकते हैं, और इस तरफ भी वेंटिलेशन के लिए आपको स्पेस मिलता है। यहाँ हम लोग ने इस तरह का वॉलपेपर यूज़ किया है, और जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। आशीष एक बार वो दिखाइएगा, और उसके बाद जो बैल्कनी की एंट्री मिलती है यहाँ से, ये भी आप दिखाइएगा।
ये आपको पूरी बड़ी सी बैल्कनी मिलती है, इसमें टैप भी मिलता है, हम लोग ने वेट एरिया भी बनाया है। अगर मैं साइज चल के दिखाऊँ आपको तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा साइज आपको मिलता है, और इधर तो अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। और इस तरह की जो टाइल्स है वो हम लोग ने यूज़ किया है। ये वेंटिलेशन जो आपको ये विंडो दिख रही है ये आपके अटैच वॉशरूम है उसकी है। अगर मैं इस फ्लैट की हाईलाइट्स की बात करूं तो 3 BHK का फ्लैट जिसका यूजेबल एरिया आपको तकरीबन 80 गज मिलता है लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ। होम लोन आप इस पे ले सकते हैं। लोकेशन मोहन गार्डन है जो मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, बहुत कम कीमत रखा गया है, और ये प्राइस उनके लिए बहुत ही परफेक्ट बैठेगा जो चाहते हैं कि कम प्राइस में एक अच्छा सा वेंटिलेटेड फ्लैट मिले, स्पेस भी अच्छा हो, घर भी अच्छा हो, इंटीरियर भी अच्छा हो और लोकेशन भी अच्छा हो। उनके लिए ये घर बहुत अच्छा है, सपनों की तरह ये घर उनके लिए होगा जो कम कीमत में आपको मिलता है। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में प्राइस मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आप विजिट के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको फ्लैट दिखाएंगे। आप हमसे जुड़े भी रह सकते हैं हमारे सोशल साइट्स पे, अभी तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, और साथ में अगर चाहें तो जो हमारा ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सानवी स्टेट आपको कहीं भी मिल जाएगा क्योंकि ये आपका चैनल है। तो फ्रेंड्स दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और ऑफकोर्स आप ही सानवी स्टेट है और आप ही से सानवी स्टेट है। और सर अगर आप सच में फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो सानवी स्टेट जो आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि एक दिन आपको इसी चैनल पे आपके सपनों का घर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जर से मकान, लोन कैसे होता है, लोन की एलिजिबिलिटी कितनी बनेगी, रजिस्ट्री में क्या पेपर लगते हैं, रजिस्ट्री कैसे होती है, सारी तरह की वीडियो हम लोग ने बना के अपलोड कर दिया है। एंड एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा सर, द्वारका मोड़ और उत्तम नगर में फ्लैट का मतलब है सानवी स्टेट। तो आपको या आपके नियर एंड डियर को अगर फ्लैट चाहिए तो सानवी स्टेट को कॉल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।